लाइट के बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है लाइट के बारे में, है ना। तो देखो सबसे पहले ये बात आती है कि लाइट जब हमने पहली बार डिस्कवर करी थी तो पहली बार हमें ये पता लगी थी कि भाई नॉर्मल साइंटिस्ट सोचते थे यार लाइट क्या होती है, बस एनर्जी है और लाइट आती है, ठीक है गुजारा रहता है। इसके अलावा सबसे पहले बार साइंटिस्टों ने डिस्कवर करी कि भाई जो लाइट होती है, सबसे पहले न्यूटन साहब हमारे आए, कौन साहब है न्यूटन साहब, इन्होंने पार्टिकल थ्योरी दी, इन्होंने बोला कि भाई लाइट जो होती है, लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, ठीक है। लाइट कौन सी नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। और इसके बाद फिर एक और आए साइंटिस्ट हाइगंस, जिन्होंने बोला, तो हाइगंस ने बोला कि नहीं भाई ये गलत बात है, पार्टिकल्स नेचर की नहीं होती है, वेव नेचर की होती है। लाइट जो होती है वो कौन सी नेचर की होती है, वेव नेचर की होती है, ठीक है। लाइट जब वेव नेचर की होती है तो इसके बाद भाई न्यूटन जो थे वो बड़े साइंटिस्ट थे, हाइगंस थोड़े लोअर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई नहीं न्यूटन की बात सही है, तुम गलत बोल रहे हो, गलत बात है, न्यूटन की बात बिल्कुल सही है, न्यूटन से पार्टिकल पार्टिकल पूरी दुनिया में पार्टिकल। इसके बाद फिर वो आ गई थ्योरी जिसका नाम था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्होंने बता दिया भाई साहब भाई नहीं वेव नेचर होती है। और भाई जब दो साइंटिस्ट बड़े बड़े बोलने लगे तो न्यूटन साहब को लगा दिया कि बेकार की बात है, न्यूटन साहब गलत है, तो ये दोनों बात ये जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई कि दोनों वेव नेचर बोल रहे हैं। फिर दोबारा वेव नेचर पूरी दुनिया में हो गया। फिर आइंस्टाइन साहब कुछ पड़े बीच में, अब भाई पूरी दुनिया में तलवार मिल गई, नहीं भाई पार्टिकल वेव पार्टिकल वेव, एक साइंटिस्ट आई डी रोक ली, उन्होंने बोला लड़ो मां दोनों होती है, लड़ो मां दोनों होती है। तो सबसे बड़ी बात हमें कौन सी नोट करनी है, लाइट हैव द डुअल नेचर, क्या नोट करनी है, लाइट हैव द डुअल नेचर, ठीक है। तो नोट करो लाइट हैव, लाइट के क्या होता है डुअल नेचर पार्ट होता है, डुअल नेचर, डुअल नेचर, छोटी छोटी बात करेंगे बड़ी बड़ी बात नहीं। क्या है ये मिरर ए टू बी मैंने मान लिया। कोई भी लाइट यहाँ से आई आ गई, ये इस प्लेन का नॉर्मल नॉर्मल ठीक नॉर्मल है, और ये इसका रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट लाइट है आई, ये रिफ्लेक्शन लाइट है ऐसा माना, और ये नॉर्मल है, और इस नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट बना रही कोई थीटा, कोई थीटा बना रही, और इस एंगल से बना रही है, थीटा बनाएगा तो दो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है भाई। इंसिडेंट लाइट प्लेन से थीटा एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्ट भी थीटा से ही होगी, होगी कि नहीं होगी, हां सही बात है कि नहीं, यस। अब मैं बोलता हूं कि नहीं इसको प्रूफ कैसे करूं भाई, देखो मैं कहता हूं कि भाई मैं इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दूं, मतलब घड़ी के अनुसार घुमा दूं, घड़ी ये 12 एक बजे बता ना, तो घड़ी के अनुसार मतलब क्लॉकवाइज घुमा दूं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो देखो रिफ्लेक्शन लाइट पे क्या असर पड़ता है। अगर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अगर घुमाने से मेरे एंगल कम ज्यादा करने से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे फर्क पड़ता है, मतलब जितने एंगल से ये डेविएट करता हूं मैं तो इतने एंगल से ये भी डेविएट होती है क्या, हां ठीक है। सपोज दैट मैंने ये एंगल ले लिया, ये मैंने एंगल ले लिया, जो एंगल बना रहा है
ये अल्फा एंगल ले लिया, कौन सा एंगल ले लिया? अल्फा, अल्फा एंगल ले लिया। तो भाई सिंपल सी बात है, अल्फा ले लिया तो ये रेडियस ऐसे होगी, ठीक है? तो भाई ये भी अल्फा हुआ, अल्फा। तो भाई नॉर्मल और जो न्यू इंसिडेंट रे, न्यू नॉर्मल से न्यू इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या हुआ? थीटा प्लस अल्फा है। अरे हुआ नहीं, हुआ थीटा प्लस अल्फा, अल्फा। तो जो न्यू रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा प्लस अल्फा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? थीटा प्लस अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? यस सर। अब मैं क्या, अब मैं क्या बोलता हूं कि अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे ना? यस सर। तो रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। यस सर। घूम रही नहीं घूम रही? हां सर। भाई जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो देखो क्लॉकवाइज घूम रही है, सर रेड से ना ऊपर से ये तो बात थी किसकी, जब हम इंसिडेंट लाइट को हमने क्या करा है, चेंज करा है, वेरिएट कर लिया है, तो डेविएशन में हमें क्या दिखा है? फर्क दिख गया, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे भाई मिरर को चेंज, मिरर के एंगल को चेंज करेंगे, ठीक है? बात समझ आती है? सपोज दैट मैंने, चलो मैं टाइप देता हूँ, पहले मिरर था ऐसे, ये मिरर था, अब मैंने मिरर को ऐसे कर दिया हल्का सा टेढ़ा ऐसे विद एंगल अल्फा, ठीक? मैं देखकर इस मिरर का नॉर्मल ये, इस मिरर का नॉर्मल, मैं देखकर इस मिरर पर जो लाइट आ रही थी वो इस एंगल से आके ऐसे जा रही थी, मैं देखकर और ये ओरिजिन ओ मान लिया, जैसे रिफ्लेक्ट, जैसे रिफ्लेक्ट ए, ये ओ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है? अब ये भी नॉर्मल है इसके रिस्पेक्ट में और ये भी नॉर्मल है इसके रिस्पेक्ट, अरे ठीक है ना यार, समझ आ रहा है क्या? बताओ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है इसके रिस्पेक्ट में, इस मिरर के रिस्पेक्ट में, और ये नॉर्मल है इस मिरर के, ठीक है? तो मैं इसको सी डैश मान लेता हूँ, तो प्रॉब्लम हो गया नहीं ना? अच्छा देखो भाई, जब ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, होगा कि नहीं? अब इसके और इसके बीच में भी भाई अल्फा से ही क्या होगा, इस नॉर्मल, पुरानी नॉर्मल से नई नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो भी अल्फा होगा। भाई जब मैंने अल्फा से घुमाया है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा से तो नॉर्मल कटिंग परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 डिग्री का भी चेंज लाऊंगा तो 1 डिग्री का रिफ्लेक्शन होगा, करेगा नहीं करेगा? हां करेगा। चलो अल्फा सिंपल सी बात है, अब देखो आप अल्फा, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि भाई, हाँ अब मैं कहता हूँ कि इस पर लाइट आ रही है, इस वाले पर जो रिफ्लेक्शन क्या है, अल्फा, इसका मैंने नाम ले दिया रिफ्लेक्टेड आई और ये रिफ्लेक्टेड आर, ठीक है? पहले कहते पुरानी वाली थी, नई वाली नहीं, अब नई वाले ये गई ऐसे गई और ऐसे चली, ठीक है? इसको मैंने आई वन मान लिया, नई वाली को मैंने आर वन मान लिया, वो आर की पुरानी वाली और ये आर वन। तो जब देखो हम मिरर को चेंज करते हैं ना, तो हमें रिफ्लेक्शन वाली लाइट में देखना होता है, क्या देखना होता है? एंगल क्या हुआ, एंगल में देखो चेंज कितना है। देखो भाई पहले ये थीटा बना देंगे पुरानी वाली, तो ये भी थीटा बनाएगी, ये इससे ये वाली थीटा बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी ना, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि ये भी थीटा बना रही है इसके रिस्पेक्ट में, बना रही कि नहीं बना रही? तो ये भी थीटा बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो इस पूरे एंगल का
ये थीटा ये अल्फा तो क्या हुआ थीटा प्लस अल्फा ये थीटा और ये वाला अल्फा तो ये एंगल क्या हुआ थीटा माइनस अल्फा कोई प्रॉब्लम है सही बार सुना ये एंगल क्या है थीटा सॉरी अल्फा ये अल्फा से रेडिएट हुआ है ना ये नॉर्मल और इसके बीच का एंगल कितना अल्फा और इसके और इसके बीच का एंगल क्या है थीटा इस पूरे के बीच का एंगल क्या हुआ थीटा प्लस अल्फा अरे हुआ कि नहीं हुआ यार थीटा प्लस अल्फा अल्फा ही तो हुआ अरे यार थीटा थीटा प्लस अल्फा नहीं हुआ इस पूरे के अंदर अब मुझे क्या करना है ये निकालना है तो ये थीटा है तो ये मेरे पास अल्फा ही तो बचा जी तो थीटा माइनस अल्फा भाई इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 अल्फा ही तो आ जाएगा यार ये वाला है थीटा माइनस अल्फा तो ये 2 अल्फा नहीं आएगा जोड़ के लिए होंगे अरे जोड़ थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा माइनस माइनस अल्फा तो तुम कुछ देखो भाई जब हमने मिरर को चेंज करा अल्फा तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हुई 2 अल्फा क्या हुई रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हुई 2 अल्फा चेंज हो गई प्रॉब्लम है क्या इतना समझ आ रहा है क्या इतना याद हमेशा रखना कि भाई जब हमने अल्फा डिग्री से घुमाया तो लाइट कितनी चेंज हुई 2 अल्फा बस समझ आ गई ना तो प्रॉब्लम तो नहीं है नोट करो इसे चलो अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं ठीक है क्वेश्चंस पे कैसे आएंगे इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सपोज करो कि भाई जो हमने मिरर है मैं नहीं कर रहा हूँ खाली मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कर रहा हूँ ठीक है मिरर है उसको हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया कैसे घुमा दिया क्लॉकवाइज घुमा दिया कितने डिग्री और हमने इंसिडेंट रे को ठीक है इंसिडेंट रे को हमने घुमा दिया कितना डिग्री 30 डिग्री अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू मिरर में क्या चेंज आएगा देखो मैं अंतर बता देता हूँ इसका आंसर है इसका 10 डिग्री अंतर क्या है इसका 10 डिग्री नहीं मिले तो कुछ क्या कर क्या कर क्या देखे ठीक है नहीं मिले तो पूछ लेना और क्या बोल सकता हूँ यार ठीक है अब बात करते हैं आगे कि हाँ देखो हाउ टू इमेज फॉर्म या रियल ऑब्जेक्ट फलाना फलाना जो तुम पढ़ते हो यार नहीं समझ आता तो कैसे पढ़ते हैं देखो सिंपल सी बात है अब देखो मान लो ये क्या है क्या ही बात मिरर है भैया ये मिरर है ए से लेकर बी तक क्या है बढ़िया समझ लेते हैं अब सपोज करो कोई लाइट ए यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई बहुत प्यार से कैसे हुई बहुत प्यार से ऐसे इंसिडेंट हुई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई सिंपल ही बात है इसका ये नॉर्मल है ये इंसिडेंट है आई अब कोई लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई ठीक ऐसे इंसिडेंट हुई आई और कोई लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगी कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मीट तो कर मिलेगी इसी पॉइंट पर तो मिलेगी इसी पॉइंट पर तो क्या मिलेगी इसी पॉइंट पर तो मिलेगी भाई ये वाला पॉइंट जहां पर देखो ध्यान सुनो जहां पर दो इंसिडेंट लाइट मीट कर जाए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट याद कर लेना भैया ठीक है वो पॉइंट क्या कहलाता है ऑब्जेक्ट अगर देखो वो दो इंसिडेंट लाइट मैच कर रही है तो वो क्या क्या बोला जाएगा क्या बोला जाएगा वो ऑब्जेक्ट बोला जाएगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा रियल ऑब्जेक्ट ठीक है कैसा ऑब्जेक्ट होगा रियल ऑब्जेक्ट बात समझ में आती थी रियल ऑब्जेक्ट होगा आप देखो अब मैं कहता हूं भाई इसकी इमेज कैसी बनेगी भाई रियल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी भाई इमेज तो वही बनेगी जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी क्या ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहीं मिलेगी कभी नहीं मिलने वाली तो भाई मिरर की वजह से बनेगी तो नहीं बनेगी तो
लेकिन ये लाइट कहीं ना कहीं कमेंट करेगी, इसको मैंने ऐसे टोटल स्ट्रक्चर के अंदर डॉट 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 करके मैंने इसको कहीं ना कहीं यहां, ठीक है। तो भाई ये नकली इमेज बनेगी, ठीक है, ये यहां पर इमेज बनेगी जहां पर दो रिफ्लेक्शन लाइट मीट कर जाए, इसे क्या बोलेंगे? वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। वो क्या फॉर्म करेगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज, इसे बोलते हैं नकली इमेज। अब देखो ऐसा कब होगा कि भाई जब रियल इमेज बनेगी, ठीक है, इसका जैसा होता है, इसको नोट करो, एक ये मिरर है, अब मैं कह रहा हूं भाई इंसिडेंट लाइट ये और रिफ्लेक्टेड लाइट ये, इंसिडेंट लाइट ये है और रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, ध्यान से सुनो, इंसिडेंट लाइट आई आई और ये कहीं ना कहीं मीट करेगी ना जी, तो ये जो पॉइंट होगा वो रियल इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड लाइट मीट होता है वहां पर रियल इमेज बनती है, वहां रियल इमेज बनेगी, वहां रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट डॉटेड करके फिर से दिखा दो, ये दोनों लाइट तो नहीं सकती, ठीक है, तो ऐसा करते कुछ तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ, अरे आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा सर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ क्या बोलता है कि एक पॉइंट से अगर दूसरी पॉइंट पर लाइट जा रही है तो सेम है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी लाइट जा सकती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। समझ आ रही इतनी बात? समझ आ रहा है ना? चलो इतना समझ आ गया। अब देखो एक और एक नई, अब देखो मैं ग्राफ बनाने जाता हूँ और तुमने कोऑर्डिनेट तो पढ़े ही होंगे। हाँ सर, कोऑर्डिनेट पढ़े। देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, सॉरी वाई एक्सिस हो गई, हमारी एक्स एक्सिस हो गई, एक दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, थोड़ा गैप कम हो गया, प्रॉब्लम नहीं। मैं कहता हूँ भाई कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और एक छोटा सा मिरर यहाँ पर, छोटा सा मिरर यहाँ पर रखा है भाई, चाहे मिरर इतना सा हो इमेज बनेगी जरूर, अगर ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है ना तो इमेज बनेगी जरूर, चाहे इतना सा हो चाहे इतना बड़ा। और इमेज कैसे बनेगी? रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगी भाई, ऑब्जेक्ट कहीं भी है, अब वो पंखा मुझे दिख रहा है तो सोर्स की लाइट कहीं से भी है, हजारों लाइट्स आ रही है मेरी आंखों में, वहां पर पड़ने के बाद मेरे पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता होगा कार साइड में खड़ी है, सकल देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है दूर से नहीं दिख पाती, जैसे साइड होते हैं तुम्हें लगेगा इस तरह से दिख जाएगी, लेकिन साइड होगी तो इस तरह से दिखती है सामने, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, जहां से तुम्हें इमेज दिख जाए उसे क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। तो भाई बोल रहा है मान लो ये जो है इसका ये कोऑर्डिनेट है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के जो है तुम्हारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई? 3 0, अरे एक्स वाई 3 0 कोऑर्डिनेट होंगे। अब ये बोल रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 2 3 4 5 2
अब मैं कह रहा हूं इन कोऑर्डिनेट में मुझे कहां दिखेगा कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बताओ, क्या करके बताओ, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बताओ। चलो भाई पहली बात मुझे ये तो पता लगे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, पता लगना चाहिए कि नहीं पता लगना चाहिए। चलो तो इस तरफ देखो मेरा ध्यान, मैं कहता हूं देखो यहां पर एक मिरर रखा है ऐसे करके और यहां पर ऑब्जेक्ट बहुत सारे, ये ऑब्जेक्ट है ए वन मान लो, ये ए टू मान लो, ये ए थ्री मान लो, ये ए फोर मान लो, ये ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट और ए नाइन, ठीक है तो दिक्कत सर। चलो अब देखो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ बात खत्म। मैं क्या बोलता हूँ, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि भाई एक बात बताओ मुझे किसमें से किसकी इमेज बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, कैसे पता लगेगा बताओ सोच के। सिंपल सी बात है भाई, एक से लेकर छह तक बनेगी लेकिन इन तीन की नहीं बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, नहीं होगा। अरे लाइट ऐसे थोड़ी जाएगी, लाइट ट्रेवल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, लाइट कभी घूमती नहीं है, ठीक है। तो भाई एक दो तीन चार पाँच छह, छह की तो यार सिंपल सी बात है, तो इस मिरर के इमेज की फॉर्मेशन रियल इमेज की फॉर्मेशन जब तक होगी जब इसके मिरर के इक्वल में रहेगा, मतलब लाइन में ना 180 डिग्री के सामने होगा, उसी की इमेज फॉर्म होगी, क्या होगी उसी की इमेज फॉर्म होगी, इसकी इमेज फॉर्म क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब देखो अगर सपोज करो कुछ इस तरह से हो, क्या हो इस तरह से ऑब्जेक्ट हो, तो मैं तो फील्ड ऑफ व्यू बता रहा हूँ याद रखना, फील्ड ऑफ व्यू एफ ओ, ठीक है। अब देखो सपोज दैट इस पर ये मिरर रखा है, ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है। अब मैं कहता हूँ इसकी इमेज मुझे बताओ कहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो लाइट गई फटाक से ऐसे टाइम लाइट गई, ये कैसे गई कैसे ट्रेवल कर गई, और एक ऐसे गई देखो इंटरसेक्ट में गलती से हुई है, तो मैं मुझे बता दो कि भाई इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं किस व्यू से देख सकता हूँ, तो वो व्यू होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मुझे इतने से इतने मीटर दिखेगा, यहाँ खड़ा हो जाऊंगा मतलब इसके मैं पार चला गया, अगर इससे और इससे पार चला गया एक ऐसे तो मुझे ये दोनों दिखना बंद हो जाएंगे, और अगर मैं इसके अंदर आ गया तो मुझे दिखना लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा यार, यस सिंपल सी बात है लगेगा। तो भाई अगर मैं इस एरिया को क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू, क्या बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू, अरे बोलो यार फील्ड ऑफ व्यू। चलो इन बात समझ आते हैं, बात समझ आ गई। अब देखो ऐसे ही सिंपल सी बात, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सोचो इसके बारे में, सिर्फ सोचो, करना नहीं है नहीं करूँ, सिर्फ सोचो, नहीं सोच पाओगे। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका नॉर्मल है, इसको लेकर अरे मेरे को नॉर्मल होगा ना यार, मुझे मेरे को नॉर्मल होगा, ये कोई एंगल थीटा बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐसे होगी, ये भी थीटा, कोई प्रॉब्लम लो सर। अब यहाँ से अब देखो मैं इसके मिडिल में ली हूँ, बच्चों क्योंकि आज से तो लाखों लाइट निकल रही है, इससे तो कोई हजार लाइट निकल रही है, तो उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है कि पहले पॉइंट लास्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में लास्ट लाइन, मुझे तो व्यू चाहिए ना, मुझे तो व्यू चाहिए ना, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में मुझे कहीं मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ लाइट गई लास्ट में, ठीक है। अब इसका नॉर्मल क्या होगा, मैं कहता हूँ इसके और इसके बीच में बनने वाला एंगल अल्फा, ताकि डिफरेंट लगे, थीटा नहीं मानना है, और ये रिफ्लेक्ट होके सीधा यहाँ से, ठीक है समझ आ रहा है। अब देखो मुझे पता तो लग गया मेरे को एंगल ऑफ फील्ड ऑफ व्यू भी है, फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या है ये पता लगेगा कैसे, कुछ करना पड़ेगा ऐसे। देखो ये अल्फा तो ये भी अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा,
अब देखो, अब मुझे पहले ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, अब मुझे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं भाई, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं कैसे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगेगा ये कोऑर्डिनेट तो कितना ऊपर जाऊं कितना नीचे जाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगर ये थीटा है तो क्या ये थीटा नहीं होगा, तुमने पढ़ा होगा मैथ में भाई, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो तुमने क्या पढ़ा है, अरे इधर देखो साइन थीटा लगा दो यार कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए तो सिंपल सी बात टैन थीटा लगा दो यार, टैन थीटा क्या होता है, अरे बी अपॉन एच अपॉन बी होता है ना, बी बाय बी होता है यार, होता ही होता है, तो टैन थीटा लगाओ यहां से, अरे टैन थीटा लगाओ यार यहां से, लगा दोगे टैन थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टैन थीटा लगा दोगे। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूँ, सिंपल कैसे, ऐसा मान लो कि ये जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा 2-0 पर बना हुआ है, ऐसा मान लो इस पर बना हुआ है 2-0 पर, ताकि 1 और 2 में कैलकुलेशन आ जाए इसी वजह से लगा हुआ, और ये तो हमारा बना हुआ है ना ये 4 पर बना हुआ है, ठीक है ये बना हुआ है हमारा 4 पर, 4-4 मान लो, और ये बना हुआ है हमारा 4, 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
अंदर अरे ये क्या है टू और ये भी क्या है टू, तो tan जो तुम लगाओगे tan थीटा इक्वल टू 2 बाय 2 हो जाएगा यानी tan थीटा 1 और tan थीटा की 1 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है 45 यानी ये जो एंगल है 45 डिग्री क्या हुआ यहां पर इंसिडेंट के लिए 45 डिग्री कोई दिक्कत और जैसे ही तुम अल्फा वाले को लोगे इस वाले ऐसे अल्फा के लिए ना ट्रायंगल के बना जाए ट्रायंगल लोगे तो वो 2 अल्फा निकल जाएगा करके देख लेना 2 अल्फा आएगा ठीक है तो देखो यहां पर क्या था 4 यहां पर 4 था ना यार कोऑर्डिनेट 4 था ना तो यहां पर फर्स्ट लाइट इंसिडेंट के लिए वो 4 था सॉरी नीचे 2 था ना यहां पर लास्ट पहली इंसिडेंट कर रही थी और ऊपर 4 आ गया तो मतलब यहां से यहां तक तो लाइट जो होगा यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका अरे नीचे 2 था ऊपर 4 हो गया तो 6 4 हो गए 6 और 6 और 4 और 2 6 0 6 का होने का कोऑर्डिनेट यहां पर कोऑर्डिनेट पहला 0 6 का हो गया अब ऐसे जब तुम यहां 4 है तो 4 तो नहीं 8 तो 8 और जोड़ दो 4 के अंदर तो 12 8 4 12 यहां पर हो गया 0 12 ये कोऑर्डिनेट तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भाई आज हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा भाई लाइट की थोड़ी सी कहानी सी देखी क्या होता है किसने क्या क्या बोला था क्या क्या करा प्लेन को थोड़ा सा घुमा कर देखा नॉर्मल लाइट ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा और क्या पढ़ा और पढ़ा कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखा अगर कोई भी फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास